तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने अपना पीसी में MacOS Ventura का इंस्टॉल करके रखा हुआ है, वो भी विंडोज 11 के साथ। विंडोज 11 पहले से इंस्टॉल था और उसके ऊपर MacOS Ventura को 12 बूट में इंस्टॉल करा है। अब ये कैसे करना है यही दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देख लेना है। और इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए आपके पास मिनिमम 32 GB का USB पेन ड्राइव होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप 16 GB पेन ड्राइव के साथ ये इंस्टॉल करने जाओगे तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। MacOS Sonoma को इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम 32 GB का ही USB पेन ड्राइव का रिक्वायरमेंट है। बाकी जब आप MacOS Sonoma को इंस्टॉल करोगे ना तो आपका पीसी बार बार रिस्टार्ट हो सकता है। जितनी बार आपका पीसी रिस्टार्ट होगा उतनी बार आपका पीसी का बूट मेनू का एक्सेस करना है और एक्सेस करके पेन ड्राइव से ही बूट कराना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक 100 GB का ड्राइव क्रिएट करना है। इसके लिए आप स्टार्ट बटन के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको डिस्क मैनेजमेंट सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे कोई भी एक बड़ा ड्राइव के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और श्रिंक वॉल्यूम इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको मिनिमम 100 GB स्पेस ले लेना है, फिर श्रिंक, यहाँ पे अनएलोकेटेड स्पेस के ऊपर फिर से राइट क्लिक करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे इस ड्राइव का नाम देना है MacOS, देन नेक्स्ट, देन फिनिश। एक नया वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है। अभी डिस्क मैनेजमेंट क्लोज कर देना है। कोई भी एक ब्राउजर को आपको ओपन करना है, ओपन करते olarilla.com इस वेबसाइट में आ जाना है। अब यहाँ पे आपको वैनिला इमेजेस इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारा इमेजेस मिल जाएगा, Ventura, Sonoma, सारा MacOS का इमेज मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ से आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट आपको ऊपर में EFI फोल्डर दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको अपना सिस्टम के हिसाब से EFI फोल्डर डाउनलोड कर लेना है। अब कैसे ये पहचानना है, इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगा, CPUZ। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। अब इसको ओपन करना है, यस पे क्लिक करना है। ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको इंतज़ार करना है। अब यहाँ पे आपको कोड नेम नोट कर लेना है, इन माय केस इट इज Skylake, डेस्कटॉप प्रोसेसर Skylake। आपको फिर से ब्राउजर के अंदर जाना है। अब यहाँ पे ऊपर में ये जो दिख रहा है ये डेस्कटॉप प्रोसेसर के लिए, अगर आपका लैपटॉप है तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे नोटबुक सीरीज यानी कि ये लैपटॉप प्रोसेसर्स के लिए, जैसे कि मेरा डेस्कटॉप है तो मैं यहाँ पे Skylake डेस्कटॉप Skylake प्रोसेसर के लिए यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा। तो ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड जैसे हो जाएगा यहाँ पे आपको बेलना ईचर, CPUZ, मिनी पार्टीशन टूल, एक्सप्लोरर +++, ये सारा चीज़ डाउनलोड करना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे आपको EFI जो फोल्डर है इसको आपको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अभी ये जो zip फाइल है इसको डिलीट कर देना है और इस फोल्डर को एक बार चेक कर लेना है और ये जो EFI फोल्डर है इसको डेस्कटॉप पे छोड़ देना है। फिर आपको 32 GB का एक USB पेन ड्राइव इंसर्ट करना है फॉर MacOS Sonoma। यहाँ पे आपको बेलना ईचर जो एप्लीकेशन है इसको ओपन करना है। यहाँ पे फ्लैश फ्रॉम फाइल इस पर क्लिक करना है और MacOS Sonoma को जो फाइल है उसको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पेन ड्राइव सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट फ्लैश पे क्लिक करना है। ऐसा एरर आता है तो आई एम श्योर पे क्लिक करना है और यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे 10 से 30 मिनट तक टाइम लग सकता है, आपको इंतज़ार करना है। अब फ्लैश होने के बाद ये वैलिडेट होगा, आपको यहाँ पे स्किप नहीं करना है, इंतज़ार करना जब तक कंप्लीट नहीं होता है। ये फ्लैश जब कंप्लीट हो जाएगा आपको जस्ट इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है। नेक्स्ट आपको फाइल मैनेजर में जाना है और यहाँ पे मिनी पार्टीशन टूल को इंस्टॉल करके ओपन करना है, यस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लॉन्च एप्लीकेशन इस पर क्लिक करना है, फिर ये जो EFI फोल्डर आपको दिख रहा है पेन ड्राइव में इसके राइट क्लिक करना है और चेंज लेटर इस पर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है। ये हो चुका है। अभी आपको एक्सप्लोरर +++ इसको एक्सट्रैक्ट करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है, यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये सी ड्राइव और उसके साथ EFI फोल्डर दिख जाएगा। अभी आपको डेस्कटॉप में जाना है और डेस्कटॉप में ये जो EFI फोल्डर है इसके अंदर जाना है, EFI के अंदर जाना है, तीन जो फाइल है इसको सिलेक्ट करना है और कॉपी कर लेना है। फिर से आपको दिस पीसी के अंदर जाना है और EFI ड्राइव में जाना है, EFI फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है।
रिप्लेस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे काम हो चुका है, अभी आपको सब कुछ क्लोज करना है और यहाँ पे EFI फोल्डर को राइट क्लिक करके फिर चेंज लेटर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अभी आपको अपना पीसी को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद अभी यहाँ पे आप देख सकते हो दिस पीसी के अंदर कोई भी EFI फोल्डर शो नहीं कर रहा है। अभी आपको अपना पीसी को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद बायोस मेन्यू को एक्सेस करना है। बायोस मेन्यू को कैसे एक्सेस करना है, इसके लिए आप इस फोटो को रेफर में ले सकते हो, अदरवाइज आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। अब बायोस मेन्यू में जाने के बाद आपको सारा पैरामीटर्स को ऐसे सेट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले सिक्योर बूट को डिसेबल कर दूंगा, नेक्स्ट CSM डिसेबल करना है और बूट मोड UEFI ओनली, और CPU सेटअप में जाना है, फिर इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी अगर डिसेबल है उसको इनेबल करना है, VTD डिसेबल करना है और हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी उसको डिसेबल करना है, और ATA डिवाइस सेटअप में जाना है, SATA कॉन्फ़िगरेशन एज AHCI सेटअप करना है, और यहाँ पे आपको F10 प्रेस करना है, एंटर प्रेस करके बायोस मेनू से निकल के फिर आपको बूट मेनू एक्सेस करना है। अब बूट मेनू एक्सेस करने के लिए आप इस फोटो को रेफर में ले सकते हो, अदरवाइज आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। बूट मेनू से पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है, फिर यहाँ पे आपको इंस्टॉल मैकOS सोनो में इसको सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। फिर यहाँ पे आपको डिस्क यूटिलिटी सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में से शो ऑल डिवाइस सिलेक्ट करना है, मैकOS ड्राइव को सिलेक्ट करना है और राइट में आपको इरेज़ पे क्लिक करना है और इस पर AAPS सिलेक्ट करना है, इरेज़ पे क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे इरेज़ नहीं होगा, आपको डन पे क्लिक करना है, फिर से इरेज़ पे क्लिक करना है और AAPS सिलेक्ट करना है और इरेज़ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे अभी इरेज़ हो जाएगा, आपको डन पे क्लिक करना है और डिस्क यूटिलिटी एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है। इस टाइम आपको इंस्टॉल मैकOS सोनोमा सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, नेक्स्ट आई एग्री पे क्लिक करना है, नेक्स्ट आपको एग्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मैकOS ड्राइव सेलेक्ट करना है जो हमने क्रिएट किया था, नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी मैकOS इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने में 10 से 40 मिनट तक टाइम लग सकता है, आपको इंतज़ार करना है। अब जैसे आपका पीसी ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा, आपको फिर से अपना पीसी को रिस्टार्ट करना है और रिस्टार्ट करने के बाद बूट मेनू को एक्सेस करके पेन टाइप से आपका पीसी को स्टार्ट करना है। ये हर बार करना है, जब तक आपका पीसी रिस्टार्ट होगा तब तक ऐसा ही करना है। अब बूट मेनू से आपको पेन टाइप सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपको मैकOS इंस्टॉलर दिख जाएगा, उसको सिलेक्ट करना है, फिर एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपको 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ सकता है, आपको इंतजार करना है। नेक्स्ट फिर से आपका पीसी रिस्टार्ट होगा, बूट मेनू से USB को सिलेक्ट करना है, फिर एंटर प्रेस करना है, फिर मैकOS इंस्टॉलर इस पर क्लिक करना है और एंटर प्रेस करना है। फिर से आपका पीसी रिस्टार्ट होगा, यहाँ से बूट मेनू से आपको USB सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। अब इस टाइम आपको यहाँ पे मैकOS ऑप्शन दिख जाएगा, मैकOS को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। अब फिर से आपका पीसी रिस्टार्ट होगा, बूट मेनू से आपको पेन ड्राइव सिलेक्ट करना है, फिर एंटर प्रेस करना है, फिर मैकOS को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। अब इस वाले स्क्रीन पे आपको कंट्री सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट कंटिन्यू, नॉट नाउ, कंटिन्यू, नॉट नाउ, सेटअप लेटर, स्किप, एग्री, अगेन एग्री। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम टाइप करना है, फिर अकाउंट नेम ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले बॉक्स में आपको जो पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड टाइप करना है, फिर से वो पासवर्ड कन्फर्म करना है और यहाँ पे पासवर्ड हिंट चाहे तो दे सकते हो। नेक्स्ट कंटिन्यू, लोकेशन इनेबल या डिसेबल कर सकते हो, मैं डिसेबल कर रहा हूँ, फिर कंटिन्यू, डोंट यूज़ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर सिटी सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, नेक्स्ट सेटअप लेटर, थीम सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्विट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैकOS सोनोमा इंस्टॉल हो चुका है। फिर आपको यहाँ पे पेन ड्राइव को ओपन करना है,
यहाँ पे फाइल्स को कॉपी करके डेस्कटॉप पे छोड़ देना है। अभी पेन ड्राइव को क्लोज कर देना है और फाइल्स को ओपन करना है। फाइल्स में आपको ओपन कोर कॉन्फिगरेटर इसको ओपन करना है। इसका अगर कोई अपडेट वर्जन आया है तो आप अपडेट भी कर सकते हो। टूल्स ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर माउंट ईएफएस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ये जो है ये हार्ड ड्राइव दिख रहा है 256 GB का, और नीचे जो है यूएसबी स्टोरेज जो 128 GB का है। आपको माउंट पार्टीशन पे क्लिक करना है और अपना मैक ओएस का जो पासवर्ड है वो टाइप करना है, एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको ओपन पार्टीशन पे क्लिक करना है। ये पार्टीशन ओपन हो जाएगा, इसे रख देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सारा चीज़ को क्लोज कर देना है, और यहाँ पे जो पेन ड्राइव का पार्टीशन है इस पर माउंट पार्टीशन करना है और ओपन पार्टीशन करना है। पेन ड्राइव का ये फाइव फोल्डर ओपन करना है और साथ में हार्ड ड्राइव का भी, पेन ड्राइव का ये जो दो फोल्डर है इसको सिलेक्ट करना है और कॉपी करना है। फिर यहाँ पे हार्ड ड्राइव के ऊपर ऐसे पेस्ट कर देना है। आपको यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अभी अपना पीसी को रिस्टार्ट करके विंडोज़ में बूट करना है। अभी विंडोज़ का पासवर्ड टाइप करके फिर विंडोज़ में एंटर कर लेना है। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके सीएमडी सर्च करना है, सीएमडी को रन एज एडमिन ओपन करना है, यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ कमेंट टाइप करना है, कमेंट आपको दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, एंटर प्रेस करना है। ये कमेंट कंप्लीट हो चुका है। अभी फिर से अपना कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है। ये चेक करना है कि हम लोगों का कंप्यूटर अभी विदाउट पेन ड्राइव और डुअल बूट हुआ है कि नहीं। अभी पेन ड्राइव को कंप्यूटर से रिमूव कर देना है, और अभी देख सकते हो इस वाले स्क्रीन पे आपको विंडोज़ और मैकओएस दोनों दिख रहा है, यानी कि डुअल बूट सक्सेसफुली हो चुका है। मैकओएस को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे तो मैकओएस बूट हो जाएगा। अभी देखो मैकओएस बूट हो चुका है, पासवर्ड टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। मैकओएस कम्प्लीटली बूट होकर आ गया है। अगर आपने सब कुछ सही से करा होगा तो आपका पीसी में भी मैकओएस सोनोमा विद प्री इंस्टॉल्ड विंडोज 11 इंस्टॉल हो चुका होगा। उम्मीद करते हैं ये जो प्रोसेस, ये जो मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपके साथ कोई दूसरा टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।